सरों का। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करके इतिहास रच दिया है। इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती। वहीं जीत के बाद प्रत्याशियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और जीत की खुशी जाहिर की है। क्या कुछ कहते नजर आए सभी प्रत्याशी, देखिए। बहुत संघर्ष की जीत थी। हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और मड़ियाहों की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और दोनों संगठन के लोग मिलकर के इतना बढ़िया सामंजस्य से काम किए कि ये जीत सुनिश्चित हो सकी। जीतने के बाद मड़ियाहों का चतुर्दिक विकास ही मेरी प्लानिंग है। जनता ने मुझे मौका दे दिया है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैं डॉक्टर हूं प्रोफेशन से, और मैं यहां पे हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा विकास करने के लिए आई हूं, जो कि मेरी प्रथम प्रायोरिटी है। मैं हेल्थ सेक्टर पे मैक्सिमम काम करने वाली हूं। जितने हम कैंपेन्स लगा सकते हैं यहां पे, मैं वो कोशिश करूंगी, चाहे वो आई विभाग से रिलेटेड हो, महिलाओं के लिए हो, हमारे बच्चों के लिए हो, प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे वृद्धों के लिए हो, वो सारी चीज़ें हम फॉलो करने वाले हैं। और काफ़ी हम विकास के जितने भी माध्यम रहेंगे उसके थ्रू हम मछली शहर में काम करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी मीडिया के सभी साथियों से कहा था कि यह बदलापुर का चुनाव, बदलापुर का विकास लड़ रहा है, मोदी योगी का काम लड़ रहा है, और यह चुनाव बदलापुर का जनता लड़ रहा है। आपने देखा होगा, ऐसा कोई बूथ नहीं था जिस बूथ पर मैंने लड़ाई न लड़ी हो। हर बूथ पर हमने चुनाव लड़ा, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बदलापुर की एक एक जनता ने यह चुनाव लड़ा। आज उसी का परिणाम है कि हम लोग जो है चुनाव जीते हैं। अब फर्क पड़ा नहीं फर्क रहा, बाद में मिलेंगे तो हम बता देंगे कहाँ कहाँ फर्क पड़ा, इतना डिटेल्स कैसे बताए, जो है वो लंबी सूची है, हराने वाले को लंबी फहरिस्त है, कहाँ 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 कहाँ। आप अकेले मिलेगा, चाबी पिलाएंगे, बताएंगे। अखिलेश भैया तूफानी सर, 10,000 की बढ़त थी। आप लोग तो देख ही रहे हैं, विरोध हो रहा था, आप लोग भी निकाल रहे थे, चैनल भी चला रहे थे, जो है तो विरोध करने वाले विरोध कर भी रहे, कराए और लास्ट तक किए, लास्ट तक किया विरोध लोगों ने, लेकिन आप सबके सहयोग से जनता के कार्यकर्ताओं के हौसला ने चुनाव जिताने जीत का श्रेय किसको देते हैं? मलनी की महान जनता की जीत हुई है। और मेरा जो अनुमान था कि अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ी होती हमारे यहाँ, तो निश्चित मेरा अंतर 50,000 के ऊपर होता। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों नहीं लड़ पाई, इसलिए हमारा जीत का अंतर कम हुआ। इसके बाद इसके पहले 3 हैट्रिक रामपुर खास थे और मेरे पिता ने लगा चुके हैं, तो ये रामपुर खास इसीलिए खास है। ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत रामपुर खास के कार्यकर्ताओं की जीत है, रामपुर खास की जनता की जीत है, और रामपुर खास के कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं ये अपनी ये जो सर्टिफिकेट है, ये जीत है, ये रामपुर खास को समर्पित। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 विधानसभाओं में जीत हासिल की है। सबसे अंतिम परिणाम वीवीआईपी सीट मानी जाने वाली अतरौली का आया है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के संदीप सिंह विजयी हुए हैं। बता दें कि संदीप सिंह स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाती हैं और दोबारा अतरौली से विधायक बने हैं। अलीगढ़ जनपद में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसपे सभी पे अब पूरी तरह से सभी तरह की मतगणना समाप्त हो गई, सुचारू ढंग से संपन्न हो गई। सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और सभी 7 कैंडिडेट जो भी जीते प्रत्याशी हैं उनको सबको हम लोगों ने रिजल्ट भी उनको सौंप दिया है, तो पूरी तरह से हमारी मतगणना सकुशल अब संपन्न हो चुकी है। सर, टोटल राउंड कितने रहे थे और कितने बजे तक? अलग अलग विधानसभा में राउंड अलग अलग थे, लेकिन लगभग 30, 31, 32 इस तरह से राउंड थे। मैक्सिमम 35 राउंड था अतरौली में, तो वो सभी राउंड्स की मतगणना जो है समय समाप्त हो चुकी है। मैं अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, और धन्यवाद ही नहीं, उनके चरणों को नमन करना चाहूँगा बार बार में, कि अलीगढ़ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से कुल विधानसभा सबसे कठिन भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा मानी जाती है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद भी जनता ने विकास के रास्ते को चुना, और जनता ने जो सांप्रदायिक शक्तियाँ अपना सिर उठाने का प्रयास कर रही थी उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया, और एकजुट एक संदेश ऐसा दिया, अलीगढ़ की जनता को केवल विकास चाहिए, अलीगढ़ की जनता को रोजगार चाहिए, अलीगढ़ की जनता को किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चाहिए, अलीगढ़ की जनता को सुशासन चाहिए, अलीगढ़ की जनता को माफिया राज मिटाने वाली सरकार चाहिए, अलीगढ़ की जनता को मोदी और योगी जी जैसा नेतृत्व चाहिए,
जी, जिस तरह से जनता ने आप पे भरोसा दोबारा भी दिखाया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं खैर की समस्त जनता जनार्दन को, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण को और हमारे शीर्ष नेतृत्व को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति को दोबारा पुनः टिकट दिया और टिकट के साथ साथ खैर विधानसभा की जनता जनार्दन का हृदय से आभार और धन्यवाद कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को एक तरफा, मैं समझता हूं कि पिछली बार मैं 71,000 से वहां खैर पे जीता था जनता की मेहरबानी से, और अब के जनता ने जो सर्वाधिक रिकॉर्ड था आज दिन तक 2017 में जो जीत हुई थी वो सबसे बड़ी खैर विधानसभा की जीत हुई थी, उसके बावजूद वो रिकॉर्ड भी टूटा और अब के खैर की जनता जनार्दन की कृपा से और संगठन की और पदाधिकारियों की कृपा से जो है लगभग 80,000 के आसपास 77,000 की जीत हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज उस प्रदेश में कानून का राज कानून से चलता है। आज गुंडा माफिया मवाली या तो प्रदेश की सीमा के बाहर या जेल के सीख के अंदर या राम राम सत्य की यात्रा पर निकल गई। आज इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आज प्रदेश में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। आज आप लोग देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सिद्धांतों, उनकी नीतियों, उनकी कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के भवानुपी जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को पचन भवन जिताने काम किया है। जो हमने क्षेत्र में विकास किए थे, जो योगी जी और मोदी जी ने जो क्षेत्र में विकास किए थे, उसी विकास के आधार पर हमने वोट मांगा और जनता ने हमको लाइक किया और वोट दी, तो जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरी मतलब तन मन धन से ये लड़ाया और योगी जी और मोदी जी के हाथ मजबूत किए। कितने वोटों से आज जीत हुई है? मेरी करीब 26 के लगभग है। 26,000 जीत के बाद आप क्या करेंगे? जीत के बाद तो पहले भी कर रहे थे वही आज करेंगे। पब्लिक के बीच में रहना है, पब्लिक के बीच में रहेंगे और जो भी विकास कार्य जो शेष है और जो अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करेंगे। लगभग 40,000 वोटों से हमने अतरौली विधानसभा को विजयी हासिल की और एक बार फिर से जनता का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने अपना विश्वास जताया है और जिस तरह से 5 वर्ष तक हम सब लोगों ने आम जन के बीच में रह करके हर एक व्यक्ति की सेवा करी और समाज के अंतिम पायदान तक हम सब विकास की योजनाओं को लेकर गई, ये उसी का नतीजा है कि इस कोरोना की विपरीत परिस्थिति में भी जहाँ पूरे प्रदेश भर ने इस तरह की स्थिति को झेला, उसके बाद में भी आज प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुन करके आई है, ये कहीं ना कहीं हम सब लोग आम जन के दिल में अपनी जगह बना पाए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आज कमल को खिलाने का कार्य। खबर औरैया से है जहां पर विधानसभा चुनाव की मतगणना में बीजेपी ने औरैया जिले की एक सीट पर कब्जा किया, जहां 20 बिधूना विधानसभा से रिया चाक्य को मात देकर रेखा वर्मा विजयी घोषित हुई। वहीं दिव्यापुर विधानसभा से कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत को मात देकर प्रदीप यादव विजयी हुए हैं। वहीं औरैया सदर से बीजेपी के गुड़िया कठेरिया विजयी घोषित हुई हैं और विधुना विधानसभा के क्षेत्र एरवा कटरा के लोगों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार बनने की बधाई दी गई। आज हम पहुंचे हैं औरैया जिले की विधुना विधानसभा में। यहां लोग जो अपने प्रत्याशी लेके इतने नहीं खुशी, लेकिन बीजेपी की जो सरकार बनी हुई उसको लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। यहाँ आतिशबाजी की गई और मिठाई भी दी जा रही है। आप देख सकते हैं सीधे सीधे बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, क्रम में आप लोगों से काफी लोगों को रूबरू कराते हैं कि कौन क्या कहना चाहते हैं अपने प्रत्याशी की। अभी भी लगभग सीटें खुलने को रह गई, अभी तो रुझान चल रहा है उसको लेकर। अभी जो प्रत्याशी हैं यहाँ की विधुना विधानसभा की रिया साख, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज जो बीजेपी सरकार बनी है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार जो बनी है वो यहाँ के वोटर ने वोटर से वोट मांगा, उसकी हर वोटर की ये मेहनत है जिसमें ये सरकार बनी और आगे वाले 2024 में भी यही बनेगी। यहाँ की जनता की मेहनत है, ये किसी की वो नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी के जो कर्म हुए हैं, कुकृत्य हुए हैं,
लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसका परिणाम है, उसका बदला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पान सिंह सेंगर है। आज जो जो रुझान आ रहे हैं, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन जो भी रुझान आ रहे हैं उसको लेकर कितनी उत्साह है आप लोगों? बहुत खुशी है हमारे लोगों को और गरीबों को तो बहुत ही खुशी है, क्योंकि योगी जी ने मोदी जी ने मिलकर के गरीबों का बहुत अच्छा काम किया है, राशन दिया है और आवास दिए हैं, हर चीज उपलब्ध कराई है। केवल समाजवादी में गुंडई थी, इसलिए उसका बदला लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये भी कहा जा रहा था कि पेंशन बाल की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, वो साले सब झूठी बात कहते थे, सारी बातें झूठी बातें, उनको जनता गुमराह करती थी, गुमराह करते थे जनता को, इसलिए समाज उसी का तो ये प्रणाम है, इसी का तो प्रणाम भाई। आने वाले दिनों में और अच्छी जीत होगी योगी जी की, बिल्कुल मोदी जी की। बहराइच जनपद की 7 विधानसभाओं की शांतिपूर्ण ढंग से हुई मतगणना में महसी के बीजेपी प्रत्याशी सुरेश्वर सिंह ने जिले में सर्वाधिक रिकॉर्ड 42,000 से अधिक मतों से जीत की हैट्रिक लगाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये जीत महसी विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत है। जो गुंडा राज और माफिया राज को खत्म किया है ये उसकी जीत है। जो गरीबों को गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चीज़ें मुहैया कराई हैं उनके अनुरूप उसकी जीत है। 170 करोड़ वैक्सीन भारत में लगाई गई है और 25 करोड़ से ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीन लगवाई है, ये उसकी जीत है। ये जीत योगी और मोदी के कार्यों के कारण भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि हासिल है। क्या लगता है कि विपक्ष जिस तरह से दावे कर रहा था, क्या आंकड़ा उसका नहीं चला, क्या आकलन विपक्ष नहीं कर पाया जो उसको इतनी कराई? धरातल पे नहीं था, विपक्ष अगर धरातल पर होता तो उसको जानकारी होती कि हम कहीं नहीं। कन्नौज की तीनों विधानसभा सीटों पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशियों ने बाजी मारते हुए अपने प्रतिद्वंदी को बड़े अंतराल से हराया है। तीनों की जीत के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। वहीं छिबरामऊ बीजेपी चेयरमैन राजीव दुबे ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए छिबरामऊ के किन्नर ने पहुंचकर बीजेपी की जीत पर चेयरमैन को बधाई दी। जैसा कि आज की तारीख में पूरा प्रदेश खुशी की लहर में है, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी इस पार्टी जो है हमारी जनमानस की पार्टी और हर भारतीय की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे प्रदेश में सरकार बना रही है और यहाँ पर वास्तव में रामराज्य होने जा रहा है, इसी की खुशी में हम सब लोग खुशियाँ मना रहे थे। हमारे ज़िले की कन्नौज ज़िले की तीनों सीटें जो कन्नौज, तिरवा और छिबरामऊ तीनों आज हमारी पार्टी ने जीती हैं और हमारे इस क्षेत्र का नाम जो है वो अपने सरकार में शामिल किया है, इसी की खुशी में हम लोग खुशियां मना रहे थे। खबर फतेहपुर से है जहां नव निर्वाचित विधायक राजेंद्र पटेल ने जीत के बाद रोड शो करके मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान वहां पूर्व मंत्री के साथ अवधेश मिश्र, सुतीक्षण सिंह भी मौजूद रहे और रिंद नदी से कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े डीजे के साथ रोड शो किया। विधानसभा के मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को सम्मानित पदाधिकारियों को मैं सम्मान करता हूं, हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरह जहानाबाद में कमल का फूल खिलाया है, मैं सदैव उनको अपने दिलों में बसा के चलूंगा और क्षेत्र का विकास करूंगा। जो भी समस्याएं आएगी वो भी करूंगा। माननीय योगी जी और मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। कार्यकर्ता को जहानाबाद विधानसभा से प्रत्याशी बनाकर और जनता को चुनाव जिताने का काम किसने किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ गोरखनाथ मंदिर में भाजपा और उसके सहयोगी दल निषाद पार्टी के विजय उम्मीदवार दर्शन करने जा रहे थे।
ऐसे में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद अपने बेटे नव निर्वाचित विधायक इंजीनियर श्रवण निषाद और संत कबीर नगर के सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद सहित पूरे परिवार सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही अन्य मंदिरों पर बाबा मच्छिंद्र नाथ के दर्शन भी किए। मोदी की नीतियों को, उनकी नीति को और अमित शाह जी के प्रबंधन को, माननीय योगी आदित्यनाथ को सुशासन की व्यवस्था से, उस अंत्योदय जो भारतीय जनता पार्टी का नियम है, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के उदय के जीवन के उदय के लिए जो इनके सोच है भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की, उसमें कामयाबी मिली। पहली बार है 70 साल में कि जनता ने कहा कि नहीं, यही हमारे लिए भगवान है, मेरे लिए इंसान, मेरे लिए देखने वाले हैं, सबको चिंता करने वाले हैं। मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने वाला है, निश्चित रूप से क्या आशीर्वाद मिला है यहाँ तक का और यहाँ पहुँचाई भारतीय जनता पार्टी ने। इस तरीके से कभी राम ने निषाद राज को गले लगाया था तो निषाद राज ने भी उन्हें पार किया था भारतीय जनता के। देखिए, सबसे पहले तो मैं गोरखनाथ मंदिर का आशीर्वाद लेने आया हूँ, उनका आशीर्वाद लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा, यहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा। गोरखनाथ मंदिर का आशीर्वाद रहा और उत्तर प्रदेश की जनता ने यहाँ चुनाव लड़ा, जिसकी जनता ने आशीर्वाद के रूप में एनडीए की सरकार का अवसर मिला और एनडीए की सरकार बनने तय हो गई। और बड़ी खुशी की बात है कि इस उत्तर प्रदेश में एक फिर अमन और खुशहाल का एक माहौल बना है। बस्ती जिले में सपा ने 4 सीटों पर अपना परचम लहराया, वहीं 5 विधानसभा में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट हरैया पर अजय सिंह ने जीत दर्ज की है। सदर सीट पर बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर दिखी, कभी सपा आगे तो कभी बीजेपी के प्रत्याशी दयाराम चौधरी आगे होते दिखे। आखिरी समय में सपा प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव ने बीजेपी के प्रत्याशी दयाराम चौधरी को 1979 मतों से विजयी बनाया और 29 साल बाद सपा ने सदर की सीट पर सपा प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज की। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे शख्सियत जो मौजूद हैं जो छात्र जीवन से ही राजनीति में काफी चर्चे में रहे हैं और लगातार अनवरत जो है ये कई सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, तो पिछली बार भी इन्होंने सदर विधानसभा सीट से लोक विधानसभा का चुनाव लड़ा था, फिर अब की बार भी इन्होंने लड़ा, अब की बार इनको जीत हासिल हुई। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद, हम इनसे बात करते हैं, महेंद्र नाथ यादव जी। तो विधायक जी, अब तो राजनीतिक जीवन में आप छात्र जीवन से काफ़ी संघर्षशील रहे हैं, आप अब की बार आपको जीत हासिल हुई, क्या कहेंगे? देखिए, हम जनता के प्रति आभार व्यक्त करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करें। राजनीति में हम सेवा के भाव से आए थे और पूरी ज़िंदगी जो है अपना हमने समाज के लिए समर्पित कर दिया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनमें हमारे बस्ती की जनता, 5ों विधानसभा की जनता ने बहुत भरोसा किया और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पर हम लोगों को बहुत प्यार स्नेह और अपना मत दे करके 5 में से 4 सीटें जिताई। तो हम ये जीत यहाँ के जनता की जीत है, इनके हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके भरोसे पे कायम रहें और इनकी सेवा करें। विधायक जी, जिस तरीके से आप कार्य थे, हमारे चैनल के माध्यम से आपकी बात हुई थी तो आपने कहा था बस्ती के युवाओं के लिए बस्ती की जो मिल है और तमाम ऐसी योजनाओं को हम काफ़ी अच्छे ढंग से क्रियान्वित करेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी, जैसे हमने कहा था पहले ही, वाल्टरगंज की जो चीनी मिल है उसको चलाने के लिए प्रयास करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जिस दिन कार्यक्रम था, आपने सुना भी था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि सरकार बनते ही तुरंत हम वाल्टरगंज चीनी मिल को चालू कराएंगे, चाहे उसके लिए हमें अलग से कुछ व्यवस्था क्यों न करना पड़े। लेकिन अब तो चूँकि जितने संसाधन हैं वह हमारे पहले उसमें है कि हम लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे, मिल चलाने का प्रयास करेंगे। जो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान है लगभग 55 करोड़, उसको जो है गन्ना किसानों का भुगतान कराने की कोशिश करेंगे। बस्ती की जनता आपको जीत दिलाई है, उसके लिए बस्ती की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से बस्ती की जनता के प्रति आभार और पूरी की पूरी जनता के, जनता को, समाज के हर वर्ग को जो उन्होंने अपार स्नेह दिया है, इस पूरे जीत का श्रेय हम बस्ती की जनता को देते हैं। तो ये थे महेंद्र नाथ यादव जी, जो अब की बार सदर विधानसभा क्षेत्र से जीत अपनी हासिल की है और इन्होंने वादा किया, जो कुछ मैंने कहा है वो निश्चित तौर पे मैं उसको पूरा करूंगा। तो बस्ती से प्राइम टीवी के लिए रजनीश पांडे।
जाजपुर से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने 3 महिलाओं समेत एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरोह के पास से 4 लाख रुपए सहित जेवरात भी बरामद हुए हैं। वहीं गिरोह को 3 सदस्य अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। के कुरारा थाना में 26/2 को ये जैनंद कुमार के शॉप पे 3 महिलाओं द्वारा चोरी की घटना कारित की गई। इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 5 लाख के सोने जेवरात चोरी किए गए। इसको एसओजी की टीम और कुरारा थाने पुलिस द्वारा इस संबंध में 3 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से सोने में चांदी के जेवरात वो बरामद किए गए। 100% बरामदगी हुई और इसमें जो ये गिरफ्तार हुई हैं ये पूनम, अवनीश, रूबी, मिथिलेश, ज्योति और मुन्ना, और 3 वांछित हैं पूनम, अवनीश और टिल्लू। और इनसे 4 पैंडल, 16 अदर छोटा पैंडल, 5 जोड़ी टॉप्स, 15 मंचली आदि काफ़ी सामान बरामद हुआ है। खबर बांदा से है, जहां पर दादी के हत्यारे नाती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15 फरवरी की रात हत्यारे ने इस घटना को अंजाम दिया था, जबकि शक के आधार पर पुलिस से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। यह मामला बबेरू कोतवाली के भदेहदू गांव का है। की रात ग्राम भदेहदू थाना बबेरू अंतर्गत एक महिला की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अथक परिश्रम करके घटना का सफल अनावरण किया है। इसमें पाया गया है कि उसके पोते द्वारा रात में 10 बजे 500 रुपये मांगने पर महिला द्वारा न देने पर आवेश में आकर के पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया। जब महिला अचेत हो गई तो इस डर से कि ये होश में आने पर घर वालों को बता देगी, उसने उसी पत्थर से 2-3 बार और वार किया और घर से बाहर चला गया। घटना का स्वरूप बिगाड़ने के लिए उसने घर के ऊपर पड़े खपरेल हटा करके ये दिखाने की कोशिश की थी कोई ऊपर से आया था और घटना को कारित करके फिर वापस चला गया। फिरोजाबाद में रामगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल 15 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब ले जाते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी। थाना रामगढ़ पुलिस ने हरियाणा राज्य से अवैध रूप से तस्करी कर ट्रक में लाई जा रही 2400 लीटर नाजायज अंग्रेजी शराब कीमत 15 लाख रुपए की बताई जा रही है। आगामी त्योहार होली के दृष्टिगत रखते हुए फिरोजाबाद एसएसपी द्वारा चलाई जा रही अभियान में कठोर कार्रवाई की गई है और दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हरमिंदर मिश्र ने एक बड़ी अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें इन्होंने हरियाणा मार्ग का अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जो की 4280 विभिन्न मापों एवं विभिन्न ब्रांड की ये बोतलें हैं, जिसमें ये पैक है। कुल 2400 लीटर शराब है ये। इस प्रकार इसमें एक अभियुक्त जो पकड़ा गया उसका नाम है गंभीर सिंह, जो कि छर्रा थाना क्षेत्र अलीगढ़ का रहने वाला है। इसमें 2 अन्य अभियुक्त गण हैं जो प्रकाश में आए। एक मौके से भागा हुआ अभियुक्त गण है जिसका नाम कौशल कुमार है, तथा एक सतवीर है जो इसका सहयोगी है और जहाँ से ये माल लेके आया है। ये माल हरियाणा से लोड हुआ था और ये गोपालगंज जा रहा था बिहार। तो जिस हिसाब से अभी हाल में पर्व भी है और इधर चुनावों का परिदृश्य रहा है और होली आगामी पर्व एक निकट ही है, तो इसमें मांग इस प्रकार के अवैध शराब की मांग बढ़ी है। और इसमें हम लोगों ने गुप्तचर सक्रिय किए थे, जिसमें ये इंटरसेप्ट करने के बाद एक चिनौरा पुल पे इनको रोक के और ये तलाशी लेने के बाद ये कैंटर आयशर कैंटर में ये शराब बरामद हुई है। खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां विधानसभा से लगातार दूसरी बार विपिन वर्मा डेविड की जीत हुई है। जीत के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने अपना विजयी परचम लहराया है। भाजपा की इतनी बड़ी जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह की लहर दिखी। इस दौरान विजय हुए विपिन वर्मा डेविड ने कहा कि जिस तरह मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा और लगातार विकास कार्य जारी रहेगा। ये जो चुनाव था बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव था। ये इस चुनाव को मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ता हूँ, अपनी जनता जनार्दन, अपनी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, कार्यशैली, कार्य पद्धति,
इन सबको मैं श्रेय देना चाहता हूँ, जिस वजह से आम जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारता सब समाजों में बहुत अच्छी तरह से थी और वही वोट के रूप में सामने आई और वो जीत एटा में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलता हुआ। खबर बांदा से है, जहां मतगणना के पहले सपाइयों ने मंडी गेट पर जमकर उपद्रव किया। वहीं सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित 7 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उपद्रव के दौरान चौकी इंचार्ज गंभीर रूप से घायल भी हो गए। बता दें कि सारा बवाल मंडी गेट पर ईवीएम मशीन की निगरानी पर बैठे सपाइयों ने अधिकारियों की गाड़ियों की चेकिंग को लेकर शुरू किया था। यह दिनांक 9/3/2022 को मंडी समिति में यहाँ मतगणना है, तो ईवीएम मशीनें रखी हैं, उनकी सुरक्षा में ड्यूटियाँ लगी थी। अचानक कुछ सपा के लोगों द्वारा ईवीएम सुरक्षा को लेकर के भ्रम की स्थिति पैदा की गई और उनके द्वारा मंडी समिति के अंदर मतगणना की तैयारी के लिए जाने वाले अधिकारियों की गाड़ी की चेकिंग का प्रयास किया गया। रात्रि में करीब 10 बजे के आसपास ईवीएम महोदय मतगणना की तैयारी है तो अंदर गए थे, उन पर अनर्गल आरोप लगा करके उनके द्वारा हंगामा किया गया, जिसमें हमारे एक उपनिरीक्षक को चोटें आईं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।